तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पुरानी बेकार पड़ी चूड़ियों से बहुत ही शानदार फ़ोटो फ्रेम। तो आपको लेनी है पुरानी पड़ी हुई चूड़ियाँ और कुछ फ़ोटोज़। चाहे आप अपने फ़ोटो ले सकते हैं, अपने बच्चों के या अपने फैमिली मेम्बर या फिर कोई अदर फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो बस आपको करना है, आपको चूड़ी के ऊपर लगाना है हल्का सा गोंद और फ़ोटो पर कर देना है स्टिक। स्टिक करने के बाद जो भी फ़ोटो की साइड्स बचती हैं उन्हें हमें कर लेना है कट। बस आप इसी तरह से सारे फ़ोटो को चूड़ियों पे स्टिक करके और इन्हें कट कर लीजिए। उसके बाद हमें अपनी सारी फ़ोटो रेडी कर लेनी है। फ़ोटो रेडी करने के बाद हमें लेना है एक कार्डबोर्ड और उस पर हमें लीव की शेप दे देनी है। लीव्स और फ्रूट भी नीचे बना लेने हैं। आपको थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड चाहिए होगा, कुछ इस तरह से आपको कर लेना है कट। उसके बाद हमें इसमें लगा देना है थोड़ा सा फेविक्विक। फेविक्विक लगाने के बाद जो हमने पेपर की लीव्स बनाई थी वो इस पर हमें कर देनी है स्टिक। और जो हमारी इसकी डंडी बचती है उसे कर देना है कलर। और जो नीचे मेरे फ्रूट बनाए हुए हैं उन पे ही हमें ये चूड़ियों वाले फ़ोटो को करना है स्टिक। तो कुछ वीडियो में आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये सारे मैंने स्टिक कर दिए हैं इस पर। आप जितनी मर्जी हो उतने फ़ोटो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर फ़ोटो फ्रेम बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये घर के लिए बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी और सुंदर भी है। तो आपके पास जो भी पुरानी चूड़ियाँ पड़ी हो तो फ्रेंड्स आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। और कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।